In this section, I will be outlining briefly describing the concept of risk management process. So, whenever we have to plan for the risk management, we have to follow a certain process, and that process can be classified or distributed in five steps. The first step is risk identification, it means that if you are a firm, और यू आर प्लानिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ हाउस होल्ड फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई वॉट आर द वेरियस पॉसिबल रिस्क यू आर एक्सपोज टू आप एक फर्म हैं कारखाना हैं कारखाना चला रहे हैं या आप एक इंडिविजुअल हैं या आप सरकारी मुलाजिम हैं या हुकूमत के लिए आप ये रिस्क मैनेजमेंट बनाना का प्रोसेस एग्जीक्यूट करें फॉलो करें तो आपको सबसे पहले उन तमाम तरह की रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे आप एक्सपोज हो सकते हैं फ्यूचर में वंस यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिस्क टू विच यू आर एक्सपोज टू नंबर टू इज टू डू द रिस्क असेसमेंट क्योंकि हर रिस्क हर फैक्टर रिस्क का जो फैक्टर है हर रिस्क फैक्टर का जो इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम सम ऑफ़ द रिस्क फैक्टर्स हैव अ बिग इफेक्ट ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है सम रिस्क फैक्टर्स हैव अ स्मॉलर इफेक्ट तो आपको असेसमेंट करनी है कि कौन से फैक्टर्स का किस किस्म का नफा या नुकसान होने वाला है मेरे बिजनेस के लिए फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्रीवियसली आई वॉज टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ कोविड तो कोविड ने बहुत सी बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया रिस्क राइट दे इट कोविड एक्सपोज अ नंबर ऑफ फर्म्स और अ बिजनेस और बिजनेस एंटिटीज टू मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिस्क फॉर एग्जाम्पल होटल इंडस्ट्री को कर गई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को कर गई लॉकडाउन हो गया लोगों को इजाजत नहीं थी घर से बाहर निकलने की और उनकी रनिंग कॉस्ट मेंटेन मीट नहीं हुए होटलों को बंद कर दिया गया तो अब जब वो खाना खिलाएंगे नहीं बेचेंगे नहीं जो खान सामे रखे हुए हैं वेटर रखे हुए हैं वो उनकी तनख्वाह किधर से आएगी बिजली का बिल किधर से आएगा किराया होटल का किधर से आएगा तो क्या हुआ इवेंचुअली वो होटल सारी बहुत सी ऐसी रेस्टोरेंट्स थे जो कि क्लोज कर दिए गए लेकिन एट द सेम टाइम सिमिलर इम्पैक्ट वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ऑल दोज फर्म्स जो के ऐसी दवाइयाँ बना रहे थे जो के कोविड के लिए इस्तेमाल हो सके या वो मास्क बनाना शुरू हो गए या वो पीसीआर के टेस्टिंग किट्स बनाना शुरू हो गए या उन्होंने वो पीपी -पी के कॉस्ट्यूम्स बनाए जिनसे आपने कहा कि हम ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं नर्सेज हैं वो आर एक्सपोज टू द पेशेंट्स ऑफ कोविड उनको प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए यूनिफॉर्म पहनने वाले हैं तो वो फर्म्स जो कि वो यूनिफॉर्म बनाते थे वो तमाम फर्म्स के सेल्स अगर कुछ यूनिट्स में थे कोविड से पहले तो वो लाखों में चले गए तो अभी उनको इस पर्टिकुलर पैंडमिक से फ़ायदा हो गया और बहुत से ऐसे के सेक्टर्स हैं जिनको इस पेंडामिक से नुकसान हो गया तो इट इज़ देर फॉर इम्पोर्टेंट

एक ही तरीका सभी तरह के सेक्टर्स के सभी फॉर्म्स के लिए मुनासिब नहीं हो सकता तो आपको आपके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ेंगे आपको वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे उसके बाद जब आपने वो टेक्निक्स अडॉप्ट कर लिए तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंटेशन के बाद हो सकता नहीं है कि जो भी आपने मौजूद तरीका डिसाइड किया है आपके खुद के बिजनेस के रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट हो हंड्रेड परसेंट बहुत अच्छा हो आपको उसके एग्जीक्यूशन के बाद उसको रिव्यू करना है कि हम जो फवायद सोच रहे थे क्या वाकई हमें वो फ़ायदे मिल रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी हमें हमारी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दे फॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल दीज फैक्टर्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क आपने उसको उसके इफेक्ट को जब आपने आइडेंटिफाई किए रिस्क तो उसमें दो इम्पोर्टेंट बातें आपने मुनासब कंसिडर करनी होती है द फर्स्ट वन इज दैट यू प्रिपेयर अ लिस्ट के जो पोटेंशियल एक्सपोजर्स हैं जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो कहीं मिस आउट नहीं हो गए और वंस द चेकलिस्ट कि आपने ये तमाम डिफरेंट तरह की जो एक्सपोज हो सकती है आपकी बिजनेस जिन तरह के रिस्क फैक्टर्स है वो तमाम आपने एनलिस्ट कर लिए उसके बारे में उसके बाद स्टेप नंबर टू शुड बी कि यू शुड हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ द होल इंडस्ट्री कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये डिफरेंट जो रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किए हैं ये मेरे बिजनेस को ओवरऑल पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में डाल के आपने देखना है कि वो किस तरह से मेरे बिजनेस को इफेक्ट करने जा रहे हैं मेरे जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं उनको किस तरह से ये इफ़ेक्ट करेंगे जो टेक्नोलॉजी में यूज़ करने जा रही हूँ मेरे प्रोडक्शन के लिए मेरे बिज़नेस के लिए उस टेक्नोलॉजी को ये रिस्क फैक्टर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रही हूँ वो फ़ॉरन ही तो ऑप्सोलेट नहीं होने वाली उसका कोई नया वर्जन आने वाला है सो so ये तमाम चीज़ें आपको अकाउंट फॉर करनी है वेन यू विल बी आइडेंटिफाइंग द रिस्क